विद्या भारती शिक्षण संस्थान एवं सरस्वती शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर में शिक्षा विमर्श हेतु सघन जनसंवाद पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े का एकमात्र उद्देश्य था कि आज के समय में शिक्षा पद्धति में आई विसंगतियों को दूर करते हुए विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाए। वर्तमान में शिक्षाविद भी मानते हैं कि आज की शिक्षा प्रणाली में कई विसंगतियां देखी जा रही है और पूरा शिक्षा जगत इन विसंगतियों को दूर हटाकर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य भी कर रहा है। इसी कड़ी में शिक्षा विमर्श हेतु सघन जनसंवाद पखवाड़े का आयोजन विद्या विहार शिक्षण संस्था एवं सरस्वती शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर में आयोजित किया गया। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, राष्ट्र निर्माण, रोजगारोन्मुखी शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न आयामों से विद्यार्थियों को जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। साथ ही राष्ट्र निर्माण एवं कुशल नेतृत्व की क्षमता भी इन विद्यार्थियों के भीतर जगाई जा रही है। इस आयोजन में विद्यालय के पूर्व छात्रों ने भी वर्तमान के विद्यार्थियों के घर घर जाकर शिक्षा की विसंगतियों को जाना और संवाद करके उसे बेहतर बनाने के आयामों को समझा। साथ ही मकर संक्रांति के अवसर पर भारतीय संस्कृति अनुसार अन्य दान के महत्व को समझाते हुए विद्यार्थियों को अन्य दान हेतु प्रेरित किया, जिससे प्रेरित होकर विद्यार्थियों ने अपने घर से अन्न लाकर स्कूल में ही दान किया और ये दान उन विद्यार्थियों तक पहुंचाए जाएंगे जो किसी न किसी अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं और भोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये जानकारी शाला परिवार ने मीडिया को दी, साथ ही उपस्थित अतिथियों ने भी अपने विचार दिए। मैं प्राचार्य जयंत बागची। विद्या भारती द्वारा संचालित एक अनूठी प्रयास के तहत हम लोगों ने जनसंपर्क करते हुए ये पाया है कि समाज में शिक्षा का तो महत्व है, लेकिन संस्कारहीन शिक्षा का महत्व नहीं है। माता पिता, पालक, अभिभावक सभी चाहते हैं कि बच्चा शिक्षित हो, साथ ही साथ संस्कारित भी हो। अगर ऐसा शिक्षा पद्धति में ये गुण नहीं है तो वो शिक्षा अनुपयोगी है। और इस दृष्टि से मैं ये कहूँगा कि हमारी विद्या भारती जो एक अनूठा प्रयोग किया है उन्होंने जनसंपर्क का, वो सफल रहा है और इसकी सफलता के जो आयाम हैं वो हमको भविष्य में भी प्राप्त होंगे और हम प्रयास करेंगे कि इस तरह की शिक्षा पद्धति का विकास और तीव्र गति से हो। विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान एवं छत्तीसगढ़ शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में हमारा दिनांक 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शिक्षा विमर्श हेतु जन संवाद चला। ये निश्चित रूप से एक अनूठी पहल है और इससे शिक्षा में गुणवत्ता, उत्कृष्टता, सर्वांगीणता, इसके प्रदर्शन के लिए ये शिक्षा के लेकर जो संवाद हुआ ये आवश्यक भी था और इससे समाज में एक अच्छी लहर दौड़ी। आने वाले समय में जमीनी स्तर से शिक्षा में सुधार होगा और शिक्षा में एक नया मोड़ आएगा, ऐसा समाज का संदेश है, ये हमने खुद अपने संपर्क में पाया। के अवसर पर छात्रों द्वारा अन्नदान का जो प्रयोजन किया गया है उसको आज मूर्त रूप दिया जा रहा है। विभिन्न छात्र जो है वो अपने अपने घर से 1 किलो चावल और 1 किलो एक पाव दाल इस प्रकार जो है वो संग्रह करके वनांचल में जो हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको अन्नदान के रूप में जो है या भोजन की व्यवस्था की जाती है। पूरे प्रदेश में हम लोग जो है संग्रह करते हैं और ये संग्रह करके वनांचल में भेजते हैं। वनांचल में फिर इसका सदुपयोग जो है उन बच्चों के लिए किया जाता है जो पढ़ाई में और जो आप इतने सक्षम नहीं है कि वे पैसा देके पढ़ाई कर सकें, उनको निःशुल्क पढ़ाई कराई जाती है और अन्नदान के माध्यम से जो अन्न हमें प्राप्त होता है उसके माध्यम से उनको भोजन की व्यवस्था उनकी की जाती है। यह सरस्वती शिशु मंदिर का एक बहुत बड़ा कार्य है जिसके माध्यम से वनांचल में जो भैया बहन हैं उनके लिए जो है वह अन्नदान एकत्रित किया जाता है। आज यह अवसर है, इस अवसर पर
सभी बच्चे जो है वो अपने अपने क्षमता के अनुसार एक किलो चावल और एक पुआ दाल प्रत्येक छात्र और छात्रा जो है वो एकत्र कर रहे हैं और ये सारा जो है वनांचल के लिए जाएंगे। इनके इस प्रयोग में सारे लोग सहयोग कर रहे हैं, उन सबका जो है हृदय से धन्यवाद ज्ञापित कर। आज हमारे भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व जो श्रेष्ठ पर्व माना जाता है, जिसमें सूर्य भगवान मकर में प्रवेश करते हुए उत्तरायण होता है और इस दिन का महत्व हमारे धार्मिक शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है और इस दिन हमारी भारतीय संस्कृति में दान करने की और गंगा नदी में स्नान करने की विशेष महत्व रहता है। इस दृष्टि से हमारे विद्या भारती की योजना में विद्या भारती शिक्षा और संस्कार के साथ साथ उन वनांचल क्षेत्रों में भी काम करती है जहाँ पे हमारे जो वनवासी भाई बहन हैं जो अभाव की ज़िंदगी जीवन यापन करते हैं, ऐसे सुदूर क्षेत्रों में वनांचल क्षेत्रों में भी हमारे विद्या भारती का प्रकल्प चलते हैं, आवासीय विद्यालय चलते हैं जहाँ पर भैया बहन निःशुल्क संस्कारयुक्त शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं भोजन करते हैं, उनसे किसी प्रकार का शुल्क लिया नहीं जाता। और ये जो 14 जनवरी को भारतीय संस्कृति में अन्नदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है, तो हमारे भैया बहन जो विद्यालय में अध्ययनरत हैं अभिभावक के माध्यम से 1 किलो चावल, 1 पाव दाल ऐसे दान के रूप में लाते हैं और ये जो दान से जो अन्न संग्रह होता है हम उन्हीं वनांचल क्षेत्र में हमारा जो प्रकल्प चलते हैं, वनवासी क्षेत्र में हमारा जो विद्यालय चलता है वहाँ पे उन छात्रों के भोजन की दृष्टि से इसको भेजा जाता है। मंदिरों में एक हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती है तो दान को हमारे धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। दान के विषय में ही हम लोग बच्चों को बचपन से प्रेरित करते हैं और हमारे विद्यालय दान से ही चलता है, तो हम लोग दान की एक विशेष परंपरा डालने के लिए बच्चों में ये विकास मन में भावना आना चाहिए कि हम गरीबों को शिक्षा कर सकते हैं। यदि हम सक्षम हैं तो छोटे छोटे और जगहों पे अन्य बच्चे हैं या अन्य जंगलों में रहते हैं, सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे भाइयों की मदद के लिए हम लोग बचपन से ही हर साल अपने छत्तीसगढ़ के सारे शिशु मंदिर इस तरह से अपन दान इकट्ठा करते हैं और सुदूर क्षेत्रों में भैया बहनों की सेवा के लिए भेजते हैं। भारतीय संस्कृति के माध्यम से गुणवान व विद्यावान बनाने का प्रयास किया जाता रहा है और इनकी सफलता की कहानी इनके विद्यार्थियों से वार्तालाप करके जाना भी जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट।